मैंने आईफोन को सेल कर दिया उस बजट के अंदर। मैंने एक फोन लिया, वो फोन है कुछ 0 to 60, मतलब 60 के अराउंड में चलाऊंगा, कैसे साउंड आएगा, और 100 भी करूंगा तभी एक्चुअल में एयर प्रेशर की वजह से जो माइकिंग का इश्यू आता है वो पता चलेगा। और साउंड क्वालिटी पता चल रहा है कि इंटरनल ऑडियो में कैसा आ रहा था, अभी कैसा आ रहा है। भाई बाइक का नाम लिया, ये देखो भाई, बाइक क्लेम ने फोन कर दिया। आई होप बाइक आएगा। आएगा क्या? आएगा भाई, आएगा। वो रेडी हो गया? बेस्ट एपिसोड माँ बहन एक कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या पता है आपके चैनल पे भाई 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है। रोहित तुझे पता है? पता है। अभी रोहित ब्रो के फोन से ही शूट हो रही है। मेरे आईफोन को सेल करके उस बजट में एक फोन लेना था, मेरे पास एक सर कैश नहीं है। आप लोगों को बोला कि किस रीजन के वजह से मैं फोन को बेच रहा हूँ। मैंने आईफोन को सेल कर दिया उस बजट के अंदर। मैंने एक फोन लिया, वो फोन है कुछ ये देखो, आसूस का रॉग 3, और मेरे भाई के पास था भाई आसूस का रॉग 2। दोनों फोन एकदम ही सिमिलर देखने में, कौन सा वाला रॉग 2 है कौन सा वाला रॉग 3 है ये पता कि नहीं चलेगा। जस्ट यहाँ पे एक कैमरा ज्यादा है और यहाँ पे एक कैमरा कम है, ठीक है। वो इसका वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने भी कभी मतलब अभी भी चेक नहीं किया, ठीक है। ये पता है कि इसमें भाई वाइड एंगल आता है, और एंड्रॉइड में ना 0.5 नहीं आता, वो तो आईफोन में ही आता है। अभी इसका वीडियो क्वालिटी देखते हैं भाई कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। रॉक 3 का ये 0.6 मोड है, वाइड एंगल कैसा आ रहा है ये फोन स्पेशली में वाइड एंगल आता है इसलिए मैंने लिया हूँ। ऑनिक्स में ऐसा आ रहा है और 0.6 में ऐसा आ रहा है। इसका एक सबसे अच्छा लगता है भाई ये वाला लाइट जो इसका चेंज होता है ना, ये सबसे मस्त लगता है। तो यार आप लोग देखे कि ROG रॉक 3 का कैसा क्वालिटी आ रहा है। भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई बाइक का क्या सीन है। भाई बाइक का ना भाई कुछ ही दिन में भाई आएगा भाई, भाई बाइक का नाम लिया, ये देखो भाई बाइक क्लेम ने फोन कर दिया। आई होप बाइक आएगा। आएगा क्या? आएगा भाई, आएगा। हेलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। जो आपका बाइक क्लेम पे था ना, हाँ वो रेडी हो चुका है, आप कभी भी उसपे ले सकते हो। वो रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया एकदम, पूरा कम्प्लीट भाई। ठीक है चलो अलग ही टाइम भाई ब्लॉग कराओ, और उस टाइम में भाई अलग ही टाइम भाई आपकी बाइक बाइक नहीं नहीं भाई भाई बाइक के लिए भाई बहुत कब बरसों से हुए भूल गया था कोई बाइक भाई। बाइक का अपडेट आप लोग को बोलने भाई, फोन आ गया आप लोग जो हुआ भाई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट भाई। चिंटू एकदम ठीक हो गया, इसके यहाँ में चोट था और यहाँ में चोट था, तो अभी ये ठीक हो गया एकदम। ये देखो काट रहा है, इसका यही शौक है भाई, मुझको काट रहता है, मतलब काटता नहीं ये खेलता है, यहाँ पे छत में खेलने देते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई चिंटू का कैसा हालत है, क्या है क्या नहीं है, सब लोगों को दिखा दिया। और ये सब छोड़ के भाई एक चीज मैंने सोचा था कि भाई इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। एक चीज मैंने बोला था प्रीवियस ब्लॉग में, कुछ ये वाला हेलमेट लो या फिर यही वाला हेलमेट लो, जरूर से कमेंट। तो भाई हेलमेट आ गया, ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने ये सोच के रखा था कि भाई जब मेरा बाइक आएगा तब मैं अपनी वीडियो मतलब हेलमेट की रिवील करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अपनी हेलमेट है किधर, ये देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे है अपनी न्यू हेलमेट। बाइक को ले आते हैं, उसके बाद सभी कुछ कहेंगे भाई बहुत मतलब इतना भी खुश था, उससे भी ज्यादा खुश हो गया इस किसको सुन के। एक चीज परचेस करने के लिए भाई मैं बरसों से सोच के आ रहा था कि भाई एक चीज मैं परचेस करूंगा, लेकिन वो चीज ना मेरे को ठीक ठाक मिल नहीं रहा था कि भाई मैं कौन सा वाला खरीदूं, ठीक है। तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका जितना भाई अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसका वीडियो क्वालिटी जितना अच्छा होना चाहिए, उससे भी बड़ी पॉइंट है उसका ऑडियो क्वालिटी। तो इसलिए मैंने ले लिया भाई इंडिया का नंबर 1 बेस्ट इवन कॉस्ट माइक बोया का एमोन। यू कैन सी बॉयस, ये देख पा रहे हो बोया का एमोन, ये वाला माइक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया का नहीं बोल पाऊंगा भाई, ये बाहर में भी मतलब फॉरेन कंट्री में भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये वाला माइक। फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको अंदर में देखते हैं क्या क्या मसला दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिल जाते हैं एक बोया का
पाउच ठीक है, काफी अच्छी डिजाइन में है भाई, खानदानी खानदानी लग रहा है। और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वो कैसे कैसे यूज करना है ये सारे कुछ, ये मैं तो आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा वेयर का माइक स्टिकर, बोया का भी एक स्टिकर। यहाँ पे है मेन चीज है भाई कैमरा के लिए, मतलब आप लोग ये वाला चीज ना भाई पीसी में ऐड कर सकते हो, यार को रुकने के लिए ये वाला यूज कर सकते हो, मतलब हमारे जैसे मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये वाला बेस्ट है। ये चीज यहाँ पे मतलब माइक के एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद भाई कहीं पर भी चिपका सकते हो, आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो। लेकिन भाई एक चीज है सबसे मेन चीज, वो है ये भाई बैटरी, बैटरी लगाना है इधर पे ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट है क्योंकि भाई यहाँ पे यू कैन सी देख पा रहे हो, यहाँ पे कैमरा का और यहाँ पे स्मार्टफोन ठीक है। अगर आप लोग कोई DSLR यूज कर रहे हो, DSLR में वीडियो बना रहे हो या कोई कैमरा में वीडियो बना रहे हो, तो आपको कर देना पड़ेगा कैमरा में, कैमरा मोड में आप लोग जब कर दोगे तब कैमरा मोड में चला जाएगा ठीक है, तब आप स्मार्टफोन में नहीं कर सकते। लेकिन जब आप स्मार्टफोन में करोगे तो अभी इसको स्विच को यहाँ पे स्वाइप अप करके स्मार्टफोन पे ले आना पड़ेगा। अब ये स्मार्टफोन में काम करे तो मेरा तो कैमरा नहीं है, स्मार्टफोन में ही चलता है ठीक है। एक ही बैटरी आता है, एक ये बैटरी आराम से भाई एक डेढ़ महीना चल जाएगा। तो यहाँ से इंस्टॉल करना है, इसको यहाँ पे लगा देना है और ये हो जाएगा फिट ठीक है। सिंपली यहाँ पे जगह है ठीक है, इसको यहाँ से लगा देना है, आराम से लग जाएगा। ये आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, पॉकेट में भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी खुशी लगा सकते हो। लेकिन भाई ये चीज मेरे को मोटो ब्लॉगिंग में नहीं लगेगा, मैंने सोचा था कि भाई मेरे फोन में हो जाएगा क्योंकि भाई इसी टाइप केबल है। तो ये मैंने कन्वर्टर लिया था कि इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके माइक का हो जाएगा, लेकिन भाई अभी भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ, पे इंस्टॉल कर दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि दिक्कत क्या हो रहा है। मेरे जैसे इशू बहुत लोग के आ भी सकता है, ये देख रहे हैं ये अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए मेरे को एक अलग से कन्वर्टर लेना पड़ेगा ठीक है, जो 3.5 mm का जैक को सपोर्ट कर सके, इसके लिए एक अलग से कन्वर्टर लेना पड़ेगा। उसके बाद भाई अपनी माइक इंस्टॉल होगी और अपनी माइक से आवाज आएगी, भाई दिक्कत ही दिक्कत है। अभी इस फोन से मतलब अपनी रोहित भाई के फोन से अभी माइकिंग टेस्ट करेंगे कि कैसा साउंड आ रहा है ठीक है। वेयर है ना भाई, ये दिखाता हूँ आप लोगों को, वेयर इतना ज्यादा लंबा है कि भाई आप लोग आराम से कोई जगह आप दिखा रहे हो तो आराम से दिखा सकते हो भाई, इतना लंबा है सही ना, बहुत बड़ा है। देखो कनेक्ट हो गया, इसमें इसलिए आया कि आप लोग एक्चुअल साउंड पता चले, घर के अंदर ना नॉइस वगैरह कुछ नहीं होता ठीक है, एकदम शांत होता है। तो ऊपर में बहुत सारे आवाज भी आता है, उसमें भाई एक्चुअल पता चलेगा कि इसका साउंड कैसा आ रहा है ठीक है। इस वाले फोन में शिफ्ट होते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसका साउंड दिखाता है, मतलब इसका नहीं माइक का। तो भाई अभी आगे बोया बाय एमोन के साउंड में आप लोग साउंड क्वालिटी पता चल रहा है कि इंटरनल ऑडियो में कैसा आ रहा था, अभी कैसा आ रहा है, अभी भी हवा चल रहा है ठीक है। और अभी इसका भाई दूर जाऊंगा ठीक है, जो इसका वेयर है आप लोगों को दिखा पाऊंगा तो आप लोगों को नॉलेज में हो जाएगा कि अगर ये माइक खरीदते हो तो भाई कितने दूर जाके आप लोग वीडियोस वगैरह बना सकते हो, कुछ जगह अगर दिखाना चाहते हो तो ठीक है। तो मैं दूर जा रहा हूँ ठीक है, ये देख पा रहे हो कैमरा है उधर ठीक है, बहुत दूर में कैमरा है और यहाँ से मैं सारा कुछ बोल भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। और अभी जो इसका मेन है मोटो ब्लॉगिंग दिखाऊंगा कि कैसे साउंड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो ही है मेन चीज भाई विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलो सीधा मिलते एकदम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। 0 to 60 मतलब 60 के अराउंड में चलाऊंगा कैसे साउंड आएगा, और 100 भी करूंगा तभी एक्चुअल में एयर प्रेशर की वजह से जो माइकिंग का इश्यू आता है वो पता चलेगा। और अभी तो हवा भी चल रहा है ठीक है, भाई एयर बहुत ही ज्यादा चल रहा है ठीक है। तो एक्चुअल में साउंड कैसा आ रहा है आप लोग बताओ। अभी बाइक है 38 ठीक है, इसका मीटर 0 है लेकिन मेरे को पता है भाई कितना स्पीड में कितना जाता है। भाई बहुत बहुत ही जोर से हवा चल रहा है, आई डोंट नो कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी का साउंड आप लोग सुन लिए ठीक है, अभी मैं कांच को लगा देता हूँ ठीक है। अभी मैंने कांच को लगा दिया, अभी कैसा साउंड आ रहा है भाई, उससे डिफरेंट। बाइक को थोड़ा सा खींच के देखूंगा कि कैसा साउंड आ रहा है ठीक है। चलो ओ भाई बहुत ही ठंड लग रहा है अभी भाई, बाइक एकदम 90 क्रॉस हो गया, 90 हो गया, 90 के प्लस हो गया, अभी कैसे साउंड आ रहा है भाई। भाई बहुत ही जोर से हवा चल रही है भाई, बहुत ही जोर से हवा चल रहा है भाई। अभी देखो मैं एकदम फुल थ्रॉटल दिया हूँ और भाई मैं बहुत ही जोर से बोल रहा हूँ ठीक है, और एयर प्रेशर भी बहुत ही हो रहा है।
तो भाई माइक का क्वालिटी कैसा आया नहीं आया आप लोग सुने। अगर आप लोग ये वाला माइक परचेस करना चाहते हो इस बजट के अंदर आराम से ले सकते हो भाई, आग बंद करके ये वाला माइक ले सकते हो, क्योंकि इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा है और आप लोग कुछ जगह दिखा रहे हो आराम से दिखा सकते हो। ठीक है, माइक लेने जाना है, दिन से नहीं देखा उसको, मुझे नींद नहीं आता। तो भाई अभी फाइनली जाऊंगा बाइक को लेने के लिए। रोहित भाई बोल रहा है तेरा बाइक तेरे पास क्या है, तूने बाइक खरीदा था क्या? मैंने सोचा बाइक बेच दिया उसने। तो भाई फाइनली बाइक आ रहा है भाई। बाइक आप लोग मेरे से भी ज्यादा इंतजार किया, आप लोग जितना भी ब्लॉग अपलोड करता था आप लोग बोलते थे भाई बाइक का क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो भाई फाइनली आ रहा है ना भाई अपनी बाइक। तो भाई आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक मारो और वो आप लोगों को सब्सक्राइब के बटन नहीं करना, बाइक आएगा उसके बाद करना। ये कैसा बंदा है, आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन पुकार रहा है, देखो 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 पुकार रहा है, उसको जाकर प्रेस करो। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलता आपसे कोई नेक्स्ट मस्त वीडियो लेके। दिस इज माय बड़ी एडिशन साइनिंग ऑफ। चले बी से पैन।